आप जो अंबानी और वो अडानी का पूछ रहे थे ना, तो बीजेपी के पास नोट नहीं थे, कांग्रेस उस टाइम पावर में थी, कांग्रेस के पास पैसा था। इसकी सारी इलेक्शन की फंडिंग हुई अंबानी अडानी से, अब ये उनका खाता भर रहा है। आपने कभी अंबानी की जो नेटवर्थ है मोदी के आने से पहले चेक करी? आज वो फोर्ब्स में अब वो फोर्थ रिचेस्ट मैन बना दिया मोदी ने। जाए ये अंबानी और अडानी, अब हमें तो पेंट पहनने से बहुत दिक्कत है, हमारी पेंट से तो मोदी को दिक्कत हो रही है कि जटा दे जेड़े पोते है वो पेंट की में पांदे है। मैं आज ये मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ कि ये पेंट मोदी की दी हुई नहीं है, पर जो अंबानी नीता अंबानी जो लहंगे पहनती है ना, वो हमारे दिए हुए हैं, हमने उनको बनाए हैं। जो इन्ने वड्डे वड्डे जेड़े ब्याह करते हैं, जेड़े इन्ने वड्डे वड्डे फंक्शन करते हैं, साडे इत्थे किसी कुड़ी का ब्याह करना तो जट नूं अपने किले वेचने पैंदे है। अंबानिया ने की किया, सिर्फ सानू खादा है। दी कहता कि मैं वहां पे गंगा पे जाके ऐसे ऐसे डांस करके दिखा रहा कि भी मेनू नहीं फर्क पैंदा जट ते किवें मरदे है। उसको देखा गुजरात में जो दंगे कराए, तब गंगा माँ की कसम क्यों नहीं खाई उसने? इतने वहां पे दंगे करा के आया, वहां पे बोलता ना मैंने दंगे नहीं कराए, मैं गंगा माँ की कसम खा के कहता हूँ। कोई वधिया रिपोर्टर नहीं, सारे उन्हें तो जाके पूछ दे मोदी जी आप क्या खाते हो, मोदी जी आप ये कैसे करते हो, असी नहीं जानना। हुण जेड़ी जेड़ी कंट्री चो जांदा है ना, उत्थे दी जेड़े उत्थे सरकारां है, ओ भी इहदे ते लानता पाणगे कि भाई तू इत्थे ना ही है। आज जो है बड़ा ऐलान हुआ कि अंबानी अडानी के प्रोडक्ट का बायकॉट किया जाए, क्यों जरूरी लगता है आपको कि अंबानी अडानी का प्रोडक्ट बायकॉट हो? सिर्फ बायकॉट करने से नहीं होगा, ये और बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो ऊपर आ रहे हैं। अब जैसे नॉर्मल किसान है, जितना भी रॉ मटेरियल है वो हमारे खेतों में से जाता है, वो अंबानी अडानी खुद अपने आप से प्रोड्यूस नहीं करते हैं, पर हमसे वो कम प्राइस में ले लिया जाता है। और इसी चीज का मुद्दा है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है उसको इतने सस्ते दामों पे खरीद। मैं तो अपने किसान भाइयों से ये कहूंगी कि इतना बड़ा मोर्चा तो इन्होंने खड़ा किया है, क्यों ना हम ऐसा कोई प्रोविजन बनाए कि ये अडानी अंबानी की जगह हम अपने ऐसे कुछ प्रोविजन बनाए जहाँ पे अपना स्टॉक कर सके सामान और अपनी मर्जी से बेचे। अब दिल्ली भूखी मरेगी ना, जब 15 दिन के बाद जब स्टॉक कम होने लगेगा, जब किसान अपना सामान वहाँ नहीं बेचेगा, जब सब्जी नहीं जाएगी, दूध नहीं जाएगा और सामान नहीं जाएगा, ऐसे हम क्यों ना एक बड़ी संस्था बनके अपना सामान खुद स्टॉक करके किलो किलो में बेचे। हम तो जाते हैं, हम क्या क्या कहते हैं, हम फसल गेर आए, हमारी ट्रालियां फसलों की भरी होती है। हम ये नहीं कहते कि हम दे आए या बेच आए, अजी कहने आप पास सेट आए, समझ रहे हो? और हम नहीं किलो किलो पैकेटों में बांध के दे सकते, हमें नहीं आती पैकेजिंग करनी, वही हमारा लिया हुआ सामान उसके ऊपर अपनी मोर लगा। बड़ी लड़ाई की जो है वो आप बात कह रहे हैं जी, बिल्कुल बड़ी लड़ाई। और सिर्फ ये यहाँ तक नहीं खत्म होनी चाहिए, सिर्फ यहाँ तक खत्म हो गई तो क्या ठीक है? पहले भी हम ऐसे ही फसलें बेच रहे थे, ये तो एक दिन सरकार की नींद खुलती है और उनको लगता है कि ये कानून, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब ये सारा कोरोना काल चल रहा था कि इसके बीच में सिर्फ एक ही इंडस्ट्री ऐसी है, ठीक है, एग्रीकल्चर, जो मतलब बढ़िया फ्लारिश कर रही है, तो इन्होंने क्या किया कि अब इसको कैसे दबाया जाए। ये अंबानी और अडानी, अब हमें तो पेंट पहनने से बहुत दिक्कत है, हमारी पेंट से तो मोदी को दिक्कत हो रही है कि जटा दे जेड़े पोते है वो पेंट की में पांदे है। मैं आज ये मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ कि ये पेंट मोदी की दी हुई नहीं है, पर जो अंबानी नीता अंबानी जो लहंगे पहनती है ना, वो हमारे दिए हुए हैं, हमने उनको बनाए हैं। जो इन्ने वड्डे वड्डे जेड़े ब्याह करते हैं, जेड़े इन्ने वड्डे वड्डे फंक्शन करते हैं, साडे इत्थे किसी कुड़ी का ब्याह करना तो जट नूं अपने किले वेचने पैंदे है। हैं अंबानिया ने की किया, सिर्फ सानू खादा है, असी भोले जट सी, असी कमांदे रहे असी देंदे रहे, असी कमांदे रहे असी देंदे रहे, असी अपना सोचिया ही नहीं। मैं सारे ताडे चैनल दे माध्यम नाल मैं सारे अपने जाट भरावां नूं कहना चाहवांगी, ए सारा पंजाब उतों 400 किलोमीटर तो उठ के आया होया है, तुसी इहदे 2-2 किलोमीटर ते बैठे होए हो, तुसी मोदी दे नाके जवां दम कर दो, जेड़ी जेड़ी सड़क भी खुली है ना उते बह जाओ बस। लेकिन एक सवाल ये भी पूछा जाएगा कि आपकी शुरुआत हुई थी वो नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध को लेकर के हुई थी, लेकिन अब जो है वो आपका आंदोलन अंबानी अडानी की तरफ भी बढ़ रहा है, ये जो है वो आप मुझे ये बताइए, जो कांग्रेस थी, हम कांग्रेस है, हम कांग्रेस को कोई भोली गाय नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस बढ़िया नहीं थी, आंदोलन हुए, अन्ना हजारे बैठे, हमने कांग्रेस को खदेड़ा क्योंकि 2G स्कैम, इतने स्कैम्स हो रहे थे, हम उनसे बिल्कुल हमारे नाक में दम कर दिया, तब हमने कांग्रेस को उनका बढ़िया स्वाद चखाया ना हार का। अब दो प्लान में तो हमने उनको आने नहीं दिया, हम बीजेपी लेके आए कि शायद हमारा देश खुशहाल हो पाएगा। बीजेपी ओ चोर सी ते मोदी डाकू है, समझ रहे हो?
मोदी उससे भी बड़ा, मोदी कहता है कि मैं वहां पे गंगा में जाके ऐसे ऐसे डांस करके दिखा रहा है कि भी मेनू नहीं फर्क पैंदा जट उते किवें मरदे है। उसको देखा गुजरात में जो दंगे कराए तब गंगा माँ की कसम क्यों नहीं खाई उसने, इतने वहां पे दंगे करा के आया, वहां पे बोलता ना मैंने दंगे नहीं कराए, मैं गंगा माँ की कसम खा के कहता हूँ। कोई वधिया रिपोर्टर नहीं, सारे उन्होंने तो जाके पूछ दे मोदी जी आप क्या खाते हो, मोदी जी आप ये कैसे करते हो, असि नहीं जानना। हुण जेड़ी जेड़ी कंट्री चो जांदा है ना उत्थे दी जेड़े उत्थे सरकारां है ओह भी इहदे ते लानता पाणगे कि भाई बाई तू इत्थे ना ही आ, जट्टां ने इहो जिहा काम करता है दा। आप ये कह रहे हैं कि ये जितनी भी बातें थी चाहे मीडिया के खिलाफ में बातें थी वो सारी आप जो अंबानी और वो अडानी का पूछ रहे थे ना, तो बीजेपी के पास नोट नहीं थे, कांग्रेस उस टाइम पावर में थी, कांग्रेस के पास पैसा था, इसकी सारी इलेक्शन की फंडिंग हुई अंबानी अडानी से, अब ये उनका खाता भर रहा है। आपने कभी अंबानी की जो नेटवर्थ है मोदी के आने से पहले चेक करी? आज वो फोर्ब्स में अब वो फोर्थ रिचेस्ट मैन बना दिया मोदी ने, इतनी नहीं थी उसकी इनकम, इतनी मल्टीप्लाई हुई। अगर आप नॉर्मल आप विकिपीडिया भी चेक कर लेंगे आपको उससे भी गूगल करके भी पता लग जाएगा कि उसकी इनकम कितनी ज्यादा बढ़ी है। और आप ये देखो पहले हमारे पास जितना पैसा होता था या कितनी हमारे पास जो सहूलतें होती थी हमारी कितनी कम हुई है, हमारी गाड़ियों से मोदी को दिक्कत है कि फॉर्चूनर को हम दे किसी, ये बताओ कि जो एक नॉर्मल किसान है ठीक है वो अपना, उसको कोई दो नंबर का पैसा तो आता नहीं, कोई सरकारी नौकरी तो ये है नहीं, अगला मेहनत करके ले रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है ठीक है ना। और आप ये देखिए कि अंबानी अडानी जो हैं और हमारे यहाँ एक सवाल ये है कि आप जितनी बातें बता रही है हो सकता है कि आप किसी पार्टी से जुड़े हैं? मैं बिल्कुल, मेरा ना किसी पार्टी से लेना देना, ना मैं कांग्रेसी हूँ ठीक है ना मैं बीजेपी, आप किसी संगठन से पार्टी से नहीं है, लेकिन एक सवाल ये है कि गांव में दूर दराज के क्षेत्र में जो लोग बैठे हुए हैं वो आपकी इन बातों से जुड़ पाएंगे? आपको लग रहा है कि आप ये बातें अपना मैसेज वहां तक, मैं आपको बताती हूँ मेरी छोटी बच्ची है, मैं उसको छोड़ के आई हूँ क्योंकि मैं देख रही थी कि यहाँ पंजाब से लोग आके यहाँ पे हमारे जो भाई हैं किसान भाई यहाँ आके बैठे हुए हैं, सिर्फ इस करके मैं उठ के आई हूँ। अगर ये चीज मेरे जैसे इंसान को टच कर सकती है जो घर पे बैठा सिर्फ इनकी खबरें सुन रहा है, तो क्यों बाकी जो आम इंसान है उसमें दिल नहीं है क्या? मेरा गाँव हाबड़ी है यहाँ के बिल्कुल कैथल के इंटीरियर में, वहां से लोग जितना कर सकते हैं उतनी कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इनकी हेल्प कर सकें कि ये आंदोलन खराब ना हो। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन नहीं है। आप जो अंबानी और वो अडानी का पूछ रहे थे ना, तो बीजेपी के पास नोट नहीं थे, कांग्रेस उस टाइम पावर में थी, कांग्रेस के पास पैसा था, इसकी सारी इलेक्शन की फंडिंग हुई अंबानी अडानी से, अब ये उनका खाता भर रहा है। आपने कभी अंबानी की जो नेटवर्थ है मोदी के आने से पहले चेक करी? आज वो फोर्ब्स में अब वो फोर्थ रिचेस्ट मैन बना दिया मोदी ने। जाए ये अंबानी और अडानी, अब हमें तो पेंट पहनने से बहुत दिक्कत है, हमारी पेंट से तो मोदी को दिक्कत हो रही है कि जट्टा ने जेड़े पोत है वो पेंट की में पांदे। मैं आज ये मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ कि ये पेंट मोदी की दी हुई नहीं है, पर जो अंबानी नीता अंबानी जो लहंगे पहनती है ना वो हमारे दिए हुए हैं, हमने उनको बनाया है। जो इन्ने वड़े वड़े जेड़े व्याह करते, जेड़े इन्ने वड़े वड़े फंक्शन करते हैं, साढ़े थे किसी कुड़ी का व्याह करना तो जट नू अपने किले बेचने पैंदे है, हैं? अंबानिया ने की किता सिर्फ सानू खादा है। कहता कि मैं वहां पे गंगा में जाके ऐसे ऐसे डांस करके दिखा रहा कि भी मेनू नहीं फर्क पैंदा जट उते किवें मरदे है। उसको देखा गुजरात में जो दंगे कराए तब गंगा माँ की कसम क्यों नहीं खाई उसने, इतने वहां पे दंगे करा के आया, वहां पे बोलता ना मैंने दंगे नहीं कराए, मैं गंगा माँ की कसम खा के कहता हूँ। कोई वधिया रिपोर्टर नहीं, सारे उन्होंने तो जाके पूछ दे मोदी जी आप क्या खाते हो, मोदी जी आप ये कैसे करते हो, असि नहीं जानना। हुण जेड़ी जेड़ी कंट्री चो जांदा है ना उत्थे दी जेड़े उत्थे सरकारां है ओह भी इहदे ते लानता पाणगे कि भाई बाई तू इत्थे ना ही आ। आज जो है बड़ा ऐलान हुआ कि अंबानी अडानी के प्रोडक्ट का बाइकॉट किया जाए, क्यों जरूरी लगता है आपको कि अंबानी अडानी का प्रोडक्ट बाइकॉट हो? सिर्फ बायकॉट करने से नहीं होगा, ये और बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो ऊपर आ रहे हैं। अब जैसे नॉर्मल किसान है, जितना भी रॉ मटेरियल है वो हमारे खेतों में से जाता है, वो अंबानी अडानी खुद अपने आप से प्रोड्यूस नहीं करते हैं, पर हमसे वो कम प्राइस में ले लिया जाता है। और इसी चीज का मुद्दा है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है उसको इतने सस्ते दामों पे खरीद, मैं तो अपने किसान भाइयों से ये कहूंगी कि इतना बड़ा मोर्चा तो इन्होंने खड़ा किया है, क्यों ना हम ऐसा कोई प्रोविजन बनाए कि ये अडानी अंबानी की जगह हम अपने ऐसे कुछ प्रोविजन बनाए जहाँ पे अपना स्टॉक कर सके सामान और अपनी मर्जी से बेचे। अब दिल्ली भूखी मरेगी ना, जब 15 दिन के बाद जब स्टॉक कम
होने लगेगा जब किसान अपना सामान वहाँ नहीं भेजेगा, जब सब्जी नहीं जाएगी, दूध नहीं जाएगा और सामान नहीं जाएगा, ऐसे हम क्यों ना एक बड़ी संस्था बन के अपना सामान खुद स्टॉक करके किलो किलो में बेचे। हम तो जाते हैं, हम क्या क्या कहते हैं, हम फसल घेर आए, हमारी ट्रालियां फसलों की भरी होती है, हम ये नहीं कहते कि हम दे आए या बेच आए, अजी कहने आप सेट आए, समझ रहे हो। और हम नहीं किलो किलो पैकेटों में बांध के दे सकते, हमें नहीं आती पैकेजिंग करनी, वही हमारा लिया हुआ सामान उसके ऊपर अपनी मोर लगा। बड़ी लड़ाई की जो है वो आप बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल बड़ी लड़ाई, और सिर्फ ये यहाँ तक नहीं खत्म होनी चाहिए। सिर्फ यहाँ तक खत्म हो गई तो क्या ठीक है, पहले भी हम ऐसे ही फसलें बेच रहे थे। ये तो एक दिन सरकार की नींद खुलती है और उनको लगता है कि ये एक कानून, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब ये सारा कोरोना काल चल रहा था कि इसके बीच में सिर्फ एक ही इंडस्ट्री ऐसी है, ठीक है, एग्रीकल्चर, जो मतलब बढ़िया फ्लारिश कर रही है। तो इन्होंने क्या किया कि अब इसको कैसे दबाया जाए, ये अंबानी और अडानी, अब हमें तो पेंट पहनने से बहुत दिक्कत है, हमारी पेंट से तो मोदी को दिक्कत हो रही है कि जट्टा ने जेड़े पोत है वो पेंट की में पांदे। मैं आज ये मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ कि ये पेंट मोदी की दी हुई नहीं है, पर जो अंबानी, नीता अंबानी जो लहंगे पहनती है ना, वो हमारे दिए हुए हैं, हमने उनको बनाए हैं। जो इन्ने वड्डे वड्डे जेड़े ब्याह करते, जेड़े इन्ने वड्डे वड्डे फंक्शन करते हैं, साडे इत्थे किसे कुड़ी दा ब्याह करना तो जट नूं अपने किले वेचने पैंदे है। हैं अंबानिया ने की कीता, सिर्फ सानू खादा है, असी भोले जट सी, असी कमांदे रहे, असी देंदे रहे, असी कमांदे रहे, असी देंदे रहे, असी अपना सोचिया ही नहीं। मैं सारे ताडे चैनल दे माध्यम नाल मैं सारे अपने जाट भरावां नूं कहना चाहांगी, ये सारा पंजाब उतो 400 किलोमीटर तो उठ के आया होया है, तुसी इहदे 2-2 किलोमीटर ते बैठे होए हो, तुसी मोदी दे नाके जमा दम कर दो, जेड़ी जेड़ी सड़क भी खुली है ना उते बह जाओ बस। नहीं, लेकिन एक सवाल ये भी पूछा जाएगा कि आपकी शुरुआत हुई थी वो नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध को लेकर के हुई थी, लेकिन अब जो है वो आपका आंदोलन अंबानी अडानी की तरफ भी बढ़ रहा है, ये जो है वो आप मुझे ये बताइए, जो कांग्रेस थी, हम कांग्रेस है, हम कांग्रेस को कोई भोली गाय नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस बढ़िया नहीं थी, आंदोलन हुए, अन्ना हजारे बैठे, हमने कांग्रेस को खदेड़ा क्योंकि 2G स्कैम, इतने स्कैम्स हो रहे थे, हम उनसे बिल्कुल हमारे नाक में दम कर दिया, तब हमने कांग्रेस को उनका बढ़िया स्वाद चखाया ना हार का। अब दो प्लान में तो हमने उनको आने नहीं दिया, हम बीजेपी लेके आए कि शायद हमारा देश खुशहाल हो पाएगा। बीजेपी ओ चोर सी ते मोदी डाकू है, समझ रहे हो, मोदी उससे भी बड़ा। मोदी कहता कि मैं वहां पे गंगा पे जाके ऐसे ऐसे डांस करके दिखा रहा कि भी मेनू नहीं फर्क पैंदा जट ते किवें मरदे है। उसको देखा गुजरात में जो दंगे कराए, तब गंगा माँ की कसम क्यों नहीं खाई उसने, इतने वहां पे दंगे करा के आया, वहां पे बोलता ना मैंने दंगे नहीं कराए, मैं गंगा माँ की कसम खा के कहता हूँ। कोई वधिया रिपोर्टर नहीं, सारे उन्होंने तो जाके पूछ दे मोदी जी आप क्या खाते हो, मोदी जी आप ये कैसे करते हो, असी नहीं जानना। हुण जेड़ी जेड़ी कंट्री चो जांदा है ना, उत्थे दी जेड़े उत्थे सरकारां है, ओ वी इहदे ते लानता पाणगे कि भाई बाई तू इत्थे ना ही आ, जट्टां ने इहो जिहा काम करता है। आप ये कह रहे हैं कि ये जितनी भी बातें थी, चाहे मीडिया के खिलाफ में बातें थी, वो सारी आप जो अंबानी और वो अडानी का पूछ रहे थे ना, तो बीजेपी के पास नोट नहीं थे, कांग्रेस उस टाइम पावर में थी, कांग्रेस के पास पैसा था, इसकी सारी इलेक्शन की फंडिंग हुई अंबानी अडानी से, अब ये उनका खाता भर रहा है। आपने कभी अंबानी की जो नेटवर्थ है मोदी के आने से पहले चेक करी, आज वो फोर्ब्स में अब वो फोर्थ रिचेस्ट मैन बना दिया मोदी ने, इतनी नहीं थी उसकी इनकम, इतनी मल्टीप्लाई हुई, अगर आप नॉर्मल आप विकिपीडिया भी चेक कर लेंगे आपको उससे भी गूगल करके भी पता लग जाएगा कि उसकी इनकम कितनी ज्यादा बढ़ी है। और आप ये देखो पहले हमारे पास जितना पैसा होता था या कितनी हमारे पास जो सहूलतें होती थी, हमारी कितनी कम हुई है, हमारी गाड़ियों से मोदी को दिक्कत है कि फॉर्चूनर है जिसको हम दिया किसी, ये बताओ कि जो एक नॉर्मल किसान है, ठीक है, वो अपना उसको कोई 2 नंबर का पैसा तो आता नहीं, कोई सरकारी नौकरी तो ये है नहीं, अगला मेहनत करके ले रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है, ठीक है ना। और आप ये देखिए कि अंबानी अडानी जो हैं, और हमारी एक सवाल ये है कि आप जितनी बातें बता रही है, हो सकता है कि आप किसी पार्टी से जुड़े हैं आप? मैं बिल्कुल, मेरा ना किसी पार्टी से लेना देना, ना मैं कांग्रेसी हूँ, ठीक है, ना मैं बीजेपी, आप किसी संगठन से पार्टी से नहीं है, लेकिन एक सवाल ये है कि गाँव में दूर दराज के क्षेत्र में जो लोग बैठे हुए हैं
वो आपकी इन बातों से जुड़ पाएंगे? आपको लग रहा है कि आप ये बातें अपना मैसेज वहां तक? मैं आपको बताती हूँ, मेरी छोटी बच्ची है, मैं उसको छोड़ के आई हूँ, क्योंकि मैं देख रही थी कि यहाँ पंजाब से लोग आके यहाँ पे हमारे जो भाई हैं, किसान भाई यहाँ आके बैठे हुए हैं, सिर्फ इस करके मैं उठ के आई हूँ। अगर ये चीज मेरे जैसे इंसान को टच कर सकती है जो घर पे बैठा सिर्फ इनकी खबरें सुन रहा है, तो क्यों बाकी जो आम इंसान है उसमें दिल नहीं है क्या? मेरा गाँव हाबड़ी है, यहाँ के बिल्कुल कैथल के इंटीरियर में, वहां से लोग जितना कर सकते हैं उतनी कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इनकी हेल्प कर सकें कि ये आंदोलन खराब ना हो। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन नहीं।